हेलो गाइस, यहां पर आ चुकी है बीटीयूपी की कॉल लेटेस्ट न्यूज़। इस नोटिस पर बताया गया है, ये जो ऑफिशियल नोटिस है ये बीटीयूपी की तरफ से आई है। दिनांक इसका है 12 जुलाई, यानी कल के दिन ये नोटिस आई थी, जो कि एक ऑफिशियल नोटिस है। इस नोटिस पर बताया गया है कि जो आपकी बैक पेपर है या फिर स्पेशल बैक है, तो उसका एग्ज़ाम आपको देना है, तो उसका जो फॉर्म भरना है उसकी डेट आ चुकी है। उसे किस वेबसाइट द्वारा भरना है और किस पोर्टल द्वारा भरना है, उसको भी हम यहाँ पर बताने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी डेट की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 12 जुलाई को आई थी। यहाँ पर आप इसकी डेट देख सकते हैं। ये सभी प्रधानाचार्यों के लिए है, सभी कॉलेज, वो प्राइवेट हों या फिर एड कॉलेज हों या फिर गवर्नमेंट कॉलेज हों, सभी कॉलेज के लिए है, सभी कॉलेज के प्रधानाचार्यों के लिए। अब बात कर लेते हैं इसके सब्जेक्ट की। इसमें सब्जेक्ट में क्या बताया गया है उस पर भी बात कर लेते हैं। सम सेमेस्टर परीक्षा जुलाई 2021 के सेकेंड, फोर्थ एंड सिक्स सेमेस्टर परीक्षा बैक पेपर एवं विशेष बैक पेपर परीक्षा जुलाई 2021 तथा वार्षिक परीक्षा जुलाई 2021 में सम्मिलित होने वाले छात्र छात्राओं हेतु परीक्षा आवेदन पत्र यूराइज पोर्टल के माध्यम से भरा जाने के संबंध में। तो यहाँ पर आपको सब्जेक्ट से ही क्लियर हो गया होगा कि इस नोटिस पर क्या क्या बात होने वाली है। इसके अलावा और भी कुछ खास है उस पर आप दिखा देते हैं यहाँ पर। तो गाइस, यहाँ पर जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर चल रहा है क्विज कॉन्टेस्ट, जिस पर आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं और फ्री में आपको वहाँ पर प्रिपरेशन और रिविज़न का मौका मिल रहा है। तो ये मौका आप अपने हाथ से न जाने दें। आप टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ जाएं और डेली 8 बजे होता है वहाँ पर क्विज गेम, वहाँ पर आप अपने क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगी, वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें। तो चलिए इस नोटिस को पढ़ लेते हैं अब। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि महोदय कृपया अवगत कराना है कि सम सेमेस्टर परीक्षा जुलाई 2021 सेकेंड, फोर्थ एंड सिक्स सेमेस्टर परीक्षा में सम्मिलित होने वाले छात्र छात्राओं हेतु परीक्षा आवेदन पत्र यूराइज पोर्टल के माध्यम से भरा जाने हेतु दिनांक 12 से 17 तक खोला जा रहा है। तो यहाँ पर यह क्लियर कर दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको जो यूराइज पोर्टल है, यूराइज पोर्टल के माध्यम से आप दे सकते हैं, ये फॉर्म भर सकते हैं। और आपकी जो डेट है वो है लास्ट डेट की, अगर हम बात करें तो यहाँ पर डेट जो बताई गई है वो 12 से लेकर 17 जुलाई तक ये खोला जा रहा है। तो जैसा कि अभी हमने हाल ही में यूराइज पोर्टल खोला था, तो वहाँ पर अभी तो कोई ये एग्ज़ाम का फॉर्म से रिलेटेड कोई भी वहाँ पर न्यूज़ नहीं दिखा रहा है, कोई भी वहाँ पर न्यू अपडेट नहीं दिखा रहा है। तो हो सकता है कि आज 13 जुलाई है, तो आज के दिन से वह वहाँ पर ओपन कर दिया जाए वो फॉर्म, तो आप लोग भर सकते हैं। तो आज आप लोग चेक कर लीजिएगा, 12 से 17 जुलाई के बीच में ये फॉर्म भरना है आप लोगों को। इसकी हो सकता है जो लास्ट डेट है वो अभी बढ़ जाए, क्योंकि अभी 3-4 दिन में सभी स्टूडेंट नहीं भर सकते, सभी तक ये खबर नहीं पहुँच पाएगी। और इसकी जिम्मेदारी सभी कॉलेज के प्रधानाचार्यों की है, इसमें नोटिस पर भी ये साफ साफ कह दिया गया है। तो चलिए पढ़ लेते हैं और कुछ इसके बारे में। तक खोला जा रहा है सम सेमेस्टर परीक्षा जुलाई 2021 की शेष, वार्षिक पद्धति परीक्षा जुलाई 2021 की परीक्षाओं हेतु छात्र छात्राओं के परीक्षा आवेदन पत्र भरने हेतु अलग से सूचित किया जाएगा। परीक्षा आवेदन पत्र भराए जाने हैं तो निम्नलिखित निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए समय अंतर्गत अपनी संस्था में अध्ययनरत छात्र छात्राओं की परीक्षा आवेदन पत्र भराया जाना सुनिश्चित है। यानी कि यहां पर कहा गया है कि जो आपका बैक पेपर का फॉर्म है वो सभी कॉलेज की जिम्मेदारी है, संस्था की, वही ये फॉर्म भराएंगे। किस प्रकार से भराएंगे वो उन पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट पर भी दिया गया है, वो भी पढ़ लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, यदि कोई इलेक्टिव सब्जेक्ट संचालित है तो संस्था को इलेक्टिव सब्जेक्ट का चयन करना अनिवार्य है। संस्था लॉगिन या सीयू लॉगिन में एग्जामिनेशन लिस्ट प्रदर्शित होगा, जिसे व्यू एंड वेरीफाई करना है। यदि किसी छात्र छात्रा का फोटो एवं सिग्नेचर नहीं है तो उसे संस्था द्वारा अपलोड करते हुए फॉर्म वेरीफाई करना है। इसके बाद थर्ड पॉइंट है, यदि किसी छात्र छात्रा के नाम, पिता का नाम इत्यादि में कोई भी लिपिकीय त्रुटि है, यानी किसी भी प्रकार की एरर है,
तो उसे संस्था लॉगिन या सीयू लॉगिन में करेक्शन लिंक द्वारा रिक्वेस्ट अपलोड करते हुए निर्धारित अवधि में यानी कि निर्धारित फिक्स डेट में सही कराना सुनिश्चित करें एवं साथ ही आवेदन की एक प्रति अनुभाग 3 की ईमेल आईडी इस ईमेल आईडी पर प्रेषित करना सुनिश्चित करें। प्रकरण संवेदनशील एवं गंभीर है। यदि किसी कारणवश कोई छात्र छात्रा का परीक्षा फॉर्म समय अंतर्गत भरने से वंचित रह जाता है या किसी कारणवश नहीं भर पाता है तो इसका संपूर्ण उत्तरदायित्व संस्था का होगा। परीक्षा आवेदन पत्र भरने हेतु किसी भी दशा में तिथि विस्तार नहीं की जाएगी, अतः आप सभी को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त निर्देशों का पालन करते हुए समय अंतर्गत अपनी संस्था में अध्ययरत समस्त छात्र छात्राओं की परीक्षा फॉर्म यूराइज पोर्टल के माध्यम से भराना सुनिश्चित करें। यह थी पूरी नोटिस। यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर जो सोनकर जी हैं सचिव इस टाइम, उनके यहाँ पर सिग्नेचर भी हैं। तो ये थी इस नोटिस के बारे में कुछ खास बातें। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो गाइस, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो हमारे वीडियोस हैं वो काफ़ी लोग देखते हैं, लेकिन सब्सक्राइब केवल 34% लोगों ने ही किया है। तो गाइस, जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करो ताकि इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड और BTUP से रिलेटेड जानकारी आप तक मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में केवल इतना ही। जय हिंद।